हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिरला इंटरनेशनल स्कूल। मायसेल्फ खुशबू शर्मा। सो लेट्स स्टार्ट क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, वर्कशीट 4। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, बिलो इन द बॉक्स आर गिवन सम प्रोनाउंस। यहाँ पे क्या दिया है? कुछ प्रोनाउंस बताई गई हैं आपको, ठीक है। क्लासीफाई दैम इन अ डिफरेंट कैटेगरीज। हमें क्या करना है? इनको क्लासीफाई करना है ना, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। गिवन अंडर द बॉक्स, कहाँ दी हुई है? ये सब बॉक्स में जो दी हुई है ना, इनको हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंस में क्लासीफाई करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यू शुड नो अबाउट द प्रोनाउन, कि वॉट इज प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन होता क्या है? आपको इस वर्कशीट 4 को स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन अ वर्ड इज यूज इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि यूज होता है कहाँ पे? नाउन के प्लेस पे। और फ्रेजेस सेंटेंसेस, वो क्या बनाता है? फ्रेजेस बनाता है, दैट मीन्स वो सेंटेंसेस बनाता है दैट कंटेन्स अ नाउन, जिसमें क्या कंटेन होता है? नाउन कंटेन होता है। कंटेन मीन्स शामिल होता है ना, क्या क्या शामिल होता है, क्या कंटेन होता है? नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, आई, वी, यू, दे, हिम, हर, देम, एक्सेट्रा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको क्या करना है आज, इस हेल्पिंग बॉक्स में से जो प्रोनाउन दिए हैं उनको इनके आगे लिखना है। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो कि हमें इनमें क्या आता है? आई, वी, यू, ही, शी, दे, मी, अस, हर, देम, ठीक है। इट्स ऑल कम इन अ पर्सनल प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउंस। पॉजिटिव प्रोनाउंस में क्या आता है बेटा? माइन, योर्स, हीज, देयर्स, आवर। थर्ड रिलैक्सिव प्रोनाउन, इसमें क्या आता है? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। फोर्थ एम्फेटिक प्रोनाउन, इसमें क्या आएगा? माई सेल्फ की बात कर रहे हैं, आवर सेल्फ हमारी बात कर रहे हैं, योर सेल्फ आपकी बात कर रहे हैं, हिम सेल्फ हर सेल्फ, देम सेल्फ की बात हो रही है, ठीक है। सो बी क्या बोल रहा है? रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन आर सेम। ये बोल रहा है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस जो होते हैं वो सेम होते हैं। दीज डिफर ऑन द बेसिस ऑफ यूज। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, वो इनको यूजेस के डिफरेंस पे डिवाइड करता है। नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम क्या करेंगे? हम सेंटेंसेस को बनाएंगे जो इनमें यूज होता है, प्रोनाउंस में और रिफ्लेक्सिव एज वेल एज एम्फेटिक, ठीक है। फर्स्ट माई सेल्फ। आई एक्सीडेंटली इंजर्ड माई सेल्फ। क्या बोला उसने? कि मैंने क्या किया है? मैंने गलती से खुद को घायल कर लिया है, है ना। आई एक्सीडेंटली इंजर्ड माई सेल्फ। बी आई माई सेल्फ टोल्ड हिम ऑल अबाउट इट। मैंने खुद इस बारे में बताया है। फाइन। सेकेंड आवर सेल्फ। वी डिफिटेड आवर सेल्फ। हम खुद को हरा देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत हेल्पलेस सा फील करते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम अपने आप को हरा देते हैं। वी डिफीटेड आवर सेल्फ। नेक्स्ट बी वी आवर सेल्फ सर्व्ड इन द पास्ट। क्या बोल रहा है ये? द
पार्टी, हमने खुद को पार्टी में सेवा की, हमने खुद पार्टी में सेवा की, वी आवर सेल्व सर्व्ड इन द पार्टी। थर्ड, योर सेल्व, यू क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम योर सेल्फ। क्या बोल रहा है ये, आपने ये समस्या खुद ने क्रिएट की है, खुद ने स्वयं बनाई है। बी, यू योर सेल्फ ब्लेम्ड इन द मीटिंग। आपने क्या किया है, आपने खुद को ब्लेम किया है। क्या बोल रहा है, आपने खुद मीटिंग में दोषी थे। ब्लेम मीन्स दोष। हिमसेल्फ, ए ही इंजर्ड हिमसेल्फ यस्टरडे, उसने कल खुद को घायल कर लिया। कई बार होता है ना, तो ये क्या बोल रहा है, कई बार हम सुनते हैं ऐसी बात कि उसने खुद को घायल कर लिया, तो हम क्या बोलेंगे उसको, ही इंजर्ड हिमसेल्फ यस्टरडे। बी, ही हिमसेल्फ डिड इट यस्टरडे, उसने खुद कल किया था। जैसे किसी काम के लिए बोलते हैं ना, मम्मा बोलती हैं कि ये काम किसने किया था, या डैडी बोलते हैं काम किसने किया था, तो आप लोगों में से कोई रिप्लाई देता है अपने ब्रदर के लिए या अपने ब्रदर के लिए, क्या बोलोगे, ही हिमसेल्फ डिड इट यस्टरडे, उसने खुद कल किया था। ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रोनाउंस वर्कशीट 4। ओके बेटा, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।